अच्छा भट्टी साहब, एक मुझे और बात बताएं, ये साबित हो गया, हिंदुस्तानी मीडिया चीख रहा है कि राह के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दों के साथ, जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे वजीर खारजा ये कहते हैं कि जनाब अपना घर साफ करना है, हमारे वजीर आजम ये कहते हैं कि जनाब हमें अपना घर साफ ठीक करना चाहिए, यानी वही डॉन लीक्स, मलीहा लोधी साहबा तस्वीर पैलेस्टीनियन की दिखाती है और कहती है कश्मीरी, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी खराब, क्या ये कोई इत्तफाकात है? ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे अपने घर में आग लगी, बेचारी मासूम बच्ची है ना समी साहब, मलीहा लोधी भी मासूम बच्ची है, वो गुडी गुडे का खेल खेलती थी, अचानक आपने उसको अमेरिका भेज दिया, उन बेचारे मासूमों का कसूर क्या है? आप कह रहे हैं कि इंडिया हमें दुनिया में दिखा रहा है, तो भाई आपकी जो हुकूमत की पॉलिसी है इंडिया के नैरेटिव को लेकर ही तो आपकी हुकूमत चल रही है, इसमें कौन सा बुरा कर रही है? मियां साहब आई इस एग्रीमेंट के तहत है कि इंडिया के साथ उन्होंने दोस्ती बढ़ानी है, तलकात करीब करने हैं, तो उन्होंने मलीहा लोधी का भी कोई कसूर नहीं है। अब आप कह देंगे उस बेचारी ने गलती से फलस्तीन की तस्वीर चला दी, वो रोटी चौचोची खाती है, उस बेचारी ने आज तक इंटरनेशनल विजिट ही नहीं किया, उसे पता ही नहीं था फलस्तीन और कश्मीर में कोई फर्क है, इसमें क्या उसका कसूर है? ठीक है, अच्छा वो मियां साहब की पॉलिसी को लेकर बताया ना, क्या वो जो उन्होंने मलीहा ने किया या प्राइम मिनिस्टर ने किया, इंडिया का नैरेटिव और नवाज शरीफ के नैरेटिव में कहीं कोई डिफरेंस नजर आता है आपको? कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। और वो कहते हैं कुलभूषण तो उनके लिए मैटर नहीं कर रहा, कुलभूषण मैटर नहीं कर रहा, जो पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंडियन रॉ का सर्विंग अफसर पकड़ा गया है, तो इस आदमी को आप क्या समझाएंगे इनको?